मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो कहानी शुरू होती है मुंबई के किसी मेडिकल कॉलेज से, जहां दिमाग की स्टूडेंट जिया खान का प्रोफेसर बताता है उसे एक पेशेंट के बारे में। ये है संजय सिंघानिया। इसकी खोपड़ी किसी ने तोड़ दी थी, तो इसको 15 मिनट तक ही सब याद रहता है। अच्छा, जिसे हम डॉक्टर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं। पर कोई डरने की बात नहीं है, इज कम्प्लीटली हार्मलेस। पर बूम, इस डॉक्टर को गलत साबित करता है अपना संजय सिंघानिया। इन लोगों को उड़ा उड़ा के मार के और इनके अंदर नल घुसा के। अबे ऑलरेडी नल था उसके पास एक, शायद भूल गया होगा, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ना। अच्छा, तो संजय सिंघानिया किसी गजनी का फोन नंबर और एक इनविटेशन कार्ड, जिसका चीफ गेस्ट है गजनी, वो लेके वहाँ से कल्टी मार लेता है। अबे लाश को तो ठिकाने लगा ले भाई, क्या क्रिमिनल बनेगा रे तू? लगता है कच्चा खिलाड़ी है। हाँ? पर इसने छोड़ दिया एक बस टिकट एज एविडेंस, और इंस्पेक्टर बोलता है मैं इस बस टिकट से क्रिमिनल को ढूंढ के निकालूंगा, बिकॉज मैंने क्राइम पेट्रोल और त्रिशम पूरी देखी है। Our Miami Johnny sends K astronaut while A videos. तो वहाँ संजय सिंघानिया, जिसको 15 मिनट तक कुछ याद नहीं रहता। You're wrong. मेरा मतलब है 15 मिनट तक ही सब याद रहता है। फोटोज और नोट्स के सहारे अपनी जिंदगी जीता है, उसी के सहारे घर आता है, उसी के सहारे घर में क्या कहाँ रखा है याद रखता है, उसी के सहारे अपने कपड़े उतार के SRK के ओम शांति ओम वाले 6-pack एप्स के कॉम्पिटिशन में अपने 8-pack एप्स दिखाता है, क्योंकि नोट्स ने कहा है ना तुम कड़क माल है ना। पर इसने अपनी बॉडी को बना रखा है रफ नोटबुक का लास्ट पेज, जिस पे लिखा है कल्पना वॉज किल्ड, फाइंड गजनी, हु इज गजनी, गजनी को मारो, गुंजन आई लव यू, फ्लेम्स, टिक टिक टो, ओ ओ ओ सॉरी बह गया था। अपने आप को काबू करना सीखो। तो इसके अंदर फूटा गुस्से का ज्वाला, तो अपनी बॉडी पे ये गजनी का फोन नंबर गुदवा के कर लेता है अपना सिस्टम अपडेट। आई एम संजय सिंघानिया, स्पीड 1 MHz, मेमोरी 10 KB। फिर इसी को मोटिवेशन की तरह यूज करके इंटेंस वर्कआउट भी करता है। वाह भाई, काफी एडवांस AI है। वहाँ ये जाता है मेडिकल कॉलेज घूमने या फिर चेकअप करवाने, यार आई डोंट नो। कि जिया खान इसे देख के बोलती है, हेलो सर, हाउ आर यू, खाना खा के जाना, आई मीन मेरा मतलब है मेरे को अपने बारे में बताना प्लीज। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया, तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। अच्छा, अभी नहीं बताना तो मेरा एक फोटो ले लो, वरना भूल जाओगे, और हाँ उसमें माय फ्रेंड लिखना, और बाद में मिलके स्टोरी बताना। ओके बाई। वह इंस्पेक्टर इसको एक बस के टिकट से ट्रैक करके इसके घर आ जाता है, क्योंकि इसने क्राइम पेट्रोल के 7 सीजन देखे हैं, वो भी ऑन रिपीट यार। गुड जॉब। और ये घर में घुस के इसको मार के इसको BDSM के लिए प्रिपेयर करके इसकी डियर डायरी पढ़ने लग जाता है। तो असली कहानी शुरू होती है 1 January 2005 से, जहाँ ये संजय सिंघानिया गजनी कट से पहले एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और इसके बाप की टेलीकॉम की कंपनी भी थी एयर वॉइस, मतलब बेशुमार पैसा, ताकत और लौंडा नाच। वहाँ उसी मुंबई शहर में रहती है कल्पना, जो है एक मॉडल, सुपर मॉडल। नहीं, ओ बस वो डिटर्जेंट पाउडर जैसी एड में स्ट्रगलिंग मॉडल है। क्या जिंदगी है। तो इसके किराए के घर पे संजय को एक बड़ा सा होर्डिंग चाहिए, तो इसके चमचे एम्प्लॉयज जाके कल्पना को रिक्वेस्ट करते हैं, पर इसके बॉस टीनू आनंद एंड क्रू को लगता है कि संजय सिंघानी और कल्पना का चमड़ी मैटर चल रहा है। संजय सिंघानिया हो या संजय दत्त, अपने बॉस को जाके बोल दो कल्पना का नो मींस नो। पिंक मूवी नहीं देखी क्या तुमने? नहीं। तो टीनू आनंद को लगता है ये देना नहीं चाहती, रिलेशनशिप में अपना टाइम नहीं देना चाहती, तो ही इज लाइक अरे इतने बड़े आदमी को चाहिए कैसे नहीं दोगी, तुम दोगी और अच्छे से दोगी मैडम जी। और ये कंफ्यूजन देख के ये सोचती है सब क्लियर करे, पर भाव इतना मिल रहा है तो वेल चलो आज से संजय को मैं दूं, आज से वो मेरा नकली बॉयफ्रेंड, और इसको मिल रहा है अब लीड रोल एंड फेम। फाजी अच्छा नहीं हो रहा है। और ये मैगजीन तक में छप जाता है कि एयर वॉइस के मालिक संजय सिंघानिया का चमड़ी मैटर चल रहा है अपकमिंग मॉडल कल्पना के साथ, और वेल असली न्यूज से ज्यादा तेज फैलती है मसाला न्यूज। तो ये खबर फैल गई हर गांव शहर गली गली में, तो संजय सिंघानिया यहाँ भड़क गया, चाचा गलत हो रहा है। तो ये अपने आदमी लोग को लेके निकल पड़ता है मैटर करने, चमड़ी मैटर सॉल्व करने, कि रास्ते में दिखती है एक परी जो आसमान से आई और विकलांग बच्चों की मदद है कर रही, और इसे हो गया प्यार। हुस्न परी तुम जाने जहां।
और जैसे ही शूट वाली जगह पे ये पहुंचा अपने पंटर लोग के साथ मैटर सॉल्व करने, तो इसे पता चलता है अयला ये तो वही परी है जो आसमान से आई थी विकलांग बच्चों की मदद करने, तो इसे कैसे लड़ूं, मुझे तो इसके पीछे चमड़ी मैटर करके जिंदगी बर्बाद करनी है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो ये इसे बोलता है कि ये सचिन है और कल्पना को लगा कि ये एड में काम करने के लिए आया है, तो हेल्प कर देती हूँ क्योंकि एक परी हूँ मैं। हाय दिल की बुरी नहीं है पर एक फ्रॉड है ये। फूलों में जो नूर है मेरा ही सुरूर है। और इसको अपने एरिया में बुला के कच्चा बनियान का एड ऑफर करके ये हो रही है एक्स्ट्रा फ्रेंडली। कचर 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 कचर। तो लड़का अपना सख्त कैसे रहे, पिघलना शुरू। और ये जैसे ही एक और विकलांग की मदद करती है तो भैया जी सॉलिड स्टेट से सीधा लिक्विड बन गए। भैया पैसे कमा लो थोड़ा, ये सब में कुछ नहीं रखा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। वहाँ टीनू आनंद ने इसे बिना बताए इसके नकली बॉयफ्रेंड संजय सिंघानिया को इनकी एड एजेंसी के एक्सपेंसिव न्यू ईयर्स ईव के इवेंट पे बुला लिया और कार्ड में एज अ चीफ गेस्ट नाम भी छाप दिया। पागल है क्या भोस? तो इस पे है प्रेशर कि साला सच बोल दूं या नहीं। पर एक मिनट, ये तो 2005 है ना, अभी इंटरनेट सबके पास है नहीं, फेसबुक ठीक से फेमस भी नहीं हुआ अभी तो संजय को किसी ने नहीं देखा। तो ये एक नकली संजय कास्ट करती है जो है सुनील ग्रोवर, पर अपना असली संजय जो कल्पना के लिए है सचिन, इसको देख के हंस देता है। तो कल्पना कन्फेस कर देती है, मैं ना एक फ्रॉड हूँ, भाव मिला तो फ्रॉड किया, आगे का सोचा भी नहीं मैंने, प्लीज किसी को बताना मत वरना जेल जाऊंगी मैं। A few moments later, हजरात हजरात हजरात, पर अब क्या करूँ, प्लीज हेल्प। पर एक सेकंड, तू ये जैकेट पहन, अरे वाह ये चश्मा लगा, अयला अब तो तू संजय सिंघानिया लग रहा है। अच्छा हमको सिखा रिया है। सुनील ग्रोवर अबे तू निकल, क्योंकि ये 2005 है और कपिल शर्मा शो आने तक इसको कोई इज्जत नहीं मिलेगी। पिटना पड़ेगा, साड़ी पहन के डांस करना ही पड़ेगा। तो कल्पना यहाँ इवेंट पे एक्सपेक्ट कर रही है कि ये नकली संजय बन के आएगा, पर ये तो असली संजय है। तो ये असली संजय बन के अपनी असली महंगी कार में अपने असली महंगे ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ पहुँच जाता है महंगा सूट पहन के, और सारे लोगों को इम्प्रेस कर देता है इंक्लूडिंग कल्पना। और मालिक जब इतना इम्प्रेस हो ही गई है तो आई लव यू, सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। है क्या मतलब? अच्छा ठीक है मैं कल जवाब देती हूँ, ओके बाय, हैप्पी न्यू ईयर माय डियर। अब हो गया 2005 खत्म और डायरी भी खत्म। तभी संजय ने उठ के इंस्पेक्टर को किया ऑलमोस्ट खत्म कि घंटी बजी और टूर पे कंपनी के लोग डॉक्टर को लेके आ गए। तो इंस्पेक्टर को छुपाओ, नींद पूरी नहीं आती है, ये माँ का डॉक्टर मारू। तो अब बैक टू प्रेजेंट, गजनी को पेलने उस इवेंट पे जाना है जहाँ ये पहली बार गजनी को देखता है, क्योंकि कहीं और देखा नहीं ना, बिकॉज इंटरनेट नहीं था, जियो का रेवोल्यूशन नहीं आया था ना। नहीं सही कह रहा है मौली साहब। तो ये गजनी को पार्किंग में बुलाता है पर मेमोरी लॉस होने की वजह से ये उसके पंटर को मार के भाग जाता है। तो गजनी में है खौफ कि साला कौन दुश्मन है मेरा जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले कोई दोबारा करे मुझ पे अटैक सारे दुश्मनों के कान के नीचे बजा दो कट्टा, पटाक 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 पटाक। वहाँ जिया खान इसके घर जाती है इससे मिलने और इस पे रिसर्च पेपर बनाने, पर घर का डोर खुला है क्योंकि भूल गया होगा। Did I leave the stove on? ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ना, कुछ याद नहीं रहता इसमें। तो ये अंदर घुस जाती है और घर में सब कुछ है शीडी और इसको लग रहा है डर, अरे ये तो संजय गजनी को मारना चाहता है। अयला एक डायरी इसे बैग में रख लेती हूँ बाद में पढ़ूंगी, और ये फूक फूक के कदम रख रही है कि बूम लॉकर से निकला वो इंस्पेक्टर जिसको इसने अंदर बंद कर दिया था, शायद इसके बारे में भूल गया होगा। तो ये इसे खोलती है और चिल्ला के बोलता है ये अबे बहरी है क्या। तभी ये मुड़ के देखते हैं संजय पीछे खड़ा है और इसे आ गया सब याद, और ये इंस्पेक्टर उठा के भागा अपनी गांड, अबे हराम खोर भाग कहाँ रहा है, पकड़ पकड़ पकड़। भाग गंजे भाग गंजे भाग गंजे भाग 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 गंजे भाग गंजे भाग। इंस्पेक्टर भागता भागता ट्रक में जा घुसा। हे राम, इससे अच्छा तो लॉकर में पड़ा रहता, कम से कम जिंदा तो रहता तू। पर तभी इसकी नजर पड़ती है जिया खान पे, तो भाग गंजे भाग गंजे भाग गंजे भाग भाग। कि ये बचने के लिए इसको किसी रैंडम मॉल में ले जाके गुंडों से भिड़वा के भाग जाती है, पर वेल मॉल के गुंडे RIP in peace. Call ambulance. तो सिंस जिया को नहीं पता कि गजनी मूवी का विलन गजनी ही है, तो ये गजनी को ही जाके बोल देती है, सर मैं ना पुलिस या उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, तो एक आदमी है संजय सिंघानिया वो मारना चाहता है आपको, तो जो करना है करो, I don't care. मतलब क्या लग रहा है वो क्या करेगा, उसकी बिल्डिंग के नीचे जाके उसे मारने का वेट करेगा और क्या। पर संजय सिंघानिया को पता चल जाता है कि जिया खान इस टकेशी 69 क्योंकि ये गजनी के घर पहुंचा हुआ है, और ये गजनी के लैंडलाइन पे कॉल करके बोलती है, सर सर आप जब उसको मारो
हूँ ना, तो मेरा एक फोटो है उसके पास, वो ले लेना ताकि लीगल चीजों में ना फंसूं। ओके भाई। तो फंसने का तो पता नहीं, पर ये हॉस्टल पहुंच जाता है इसको चोक मी डैडी करने। वेल, इसने इतने सारे गुंडों को मारा, पर यहाँ पता नहीं अकल कहाँ गई थी इसकी, तो ये पकड़ा गया। तो जान जाते जाते बची है। चलो उसकी 2006 की डायरी पढ़ते हैं। तो असली कहानी का पार्ट टू शुरू होता है 2006 से, जहां कल्पना ने इसे कर दिया हाँ, और ये इसे बताने ही जा रहा होता है कि मैं अमीर हूँ, मेरा खानदान अमीर है। कि ये बोलती है, मेरी एक तमन्ना है कि मेरे फ्रॉड मामा से ज्यादा अमीर बनना है मुझे, और 3 ब्रांड एम्बेसडर कार लेनी है, क्योंकि मेरा मामा मामा नहीं शकुनी मामा था। तो वेल, ये अब सच बता नहीं सकता, अमीरी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, या ये फट्टू है। तो बस ये सचिन बनके इसके साथ लफड़ा कर रहा है। यहाँ ये अमीरी फ्लेक्स करने के लिए सोने वगैरह बेच के एम्बेसडर कार ले लेती है। बहन सोना ही रख लेती, वो ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट है, पर शायद 2005 में लोगों के पास इतना दिमाग नहीं था। yes, exactly. पर संजय को करना है ज्यादा फ्लेक्स, तो अपनी ही कंपनी के लकी ड्रॉ वाले कॉम्पिटिशन के थ्रू ये इसे फ्लैट गिफ्ट कर देता है। तो वेल जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा। मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। पर एक इंटरनेशनल मीटिंग के लिए इसे जाना है लंदन, तो इसे जाके बोलता है मैं गांव जा रहा हूँ, माँ बीमार है, तो जमीन वगैरह बेचने जाना है माँ के इलाज के लिए। तो कल्पना के अंदर जागी विकलांगों की हेल्प करने वाली इंसानियत, तो इसने अपनी एम्बेसडर कार बेच दी। वेट व्हाट? और इसको पैसे देके बोली, सुन बे संजय, वो जमीन मत बेचना, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, ये ले पैसा, जल्दी वापिस आना, फिर इलू इलू करेंगे। और ये बेचारा शॉक में कि साला इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड, इसको सब सच बताना ही पड़ेगा। नाउ बैक टू प्रेजेंट, जहाँ संजय सिंघानिया जेल से पहुँच गया घर, क्योंकि मैनेजर के पास है पैसा और पावर, पर वेल गजनी को है इससे डर, तो इससे बेटर की फोड़े ये इसका सर, मिटा दो ये सारे पेपर, ये सारे सबूत जिनसे ये मुझे मारने निकला था। तो वेल इसको 15 मिनट से ज्यादा कुछ याद रहता नहीं, और सारे नोट सब बचे नहीं। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लंदारी वहाँ जिया को और जानना है कि भाई हुआ क्या था, तो वो 4 और 4 जोड़कर 9 करती है, और पता चलता है कि कल्पना ने 24 लड़कियों को स्मगलिंग होते हुए बचाया था मुंबई टू गोवा ट्रेन से, पर ये थे सब स्मगलर्स गजनी के आदमी, क्योंकि विलन है तो गंदे धंधे तो होंगे ही। तो बदला लेने के लिए इसने कल्पना के घर गुंडे भिजवा दिए, पर वहाँ संजय भी आ गया टाइम पे, पर शायद इतना भी टाइम पे नहीं आया, क्योंकि इसने छुरा मार दिया बेचारी लड़की को, हे राम, और वो इसके कान में बोली गजनी, और गजनी ने दे मारा रॉड संजय को, फिर दे मारा रॉड लड़की को, फिर से दे मारा रॉड संजय को, और फिर किसी ने हमारे सामने प्याज काट दिए, इसलिए मेरी आंखें नम हो गई, सॉरी। जिया खान को ये सब पता चल के लगा बुरा, तो वो जाके सब बता देती है संजय को, और संजय को चाहिए बदला, तो वो गजनी को कॉल करके मूवी का स्पॉइलर देता है, गजनी मरने वाला है तू मूवी के एंड में, कुछ भी, ओके बाय। तो गजनी जाके छुप जाता है किसी मोहल्ले में, पर संजय ने इतनी बड़ी मूंगफली तोड़ने के लिए थोड़ी ना बनाई थी, तो ये सबको मारते पेलते पहुंच जाता है गजनी के पास, जिसने दे मारा रॉड इस पर। पर अब शायद मेडिकल साइंस यहाँ यूजलेस है, तो ये हो गया खड़ा, दिया खिंचा के एक रॉड, और गजनी को दे दी कल्पना वाली मौत, और आई डोंट नो हाउ ये मर्डर चार्जेस से बच गया, और एक कल्पना नामक ऑर्फनेज में कल्पना की याद में जिंदगी बिताने लगा। माफ करना, फिर से किसी ने प्यास काट दिया अभी। नहीं, 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 नहीं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। बदला बोलो या रिवेंज, सब कर्मा का खेल है। What goes around comes around, मतलब जैसी मौत गजनी ने कल्पना को दी, बिल्कुल वैसी ही मौत गजनी को भी मिली। इसीलिए कभी किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि जब तुम्हारे साथ वो होगा, तब रियलाइज करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, सीधा फटका मिलेगा। मुझे याद ना आए मेरी, मुझको याद ना आए तेरी, मुझे याद ना आए मेरी, मुझको याद ना आए तेरी। बदला लूंगा गजनी से बंदी को मारा मेरी, मुझको याद ना आए मेरी, मुझको याद ना आए तेरी, मुझे याद ना आए तेरी, मुझको याद ना आए मेरी।
15 minutes later मुझे याद ना आए मेरी मुझको याद ना आए तेरी मुझे याद ना आए मेरी मुझको याद ना आए तेरी बदला लूंगा गजनी से बंदी को मारा मेरी मुझको याद ना आए मेरी मुझको याद ना